नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, काउंसिलर हूँ। हमारा खुद का हॉस्पिटल है केड़कर हॉस्पिटल, जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे हम लोगों में गलत फहमियाँ फैल गई है साइकेट्री के विषय के बारे में, साइकोलॉजी और मानसिक बीमारियों के बारे में। लोगों को लगता है कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास गया तो मतलब एक टैबू है बहुत बड़ा, किसी को बताना नहीं कि मुझे मानसिक बीमारी हो चुकी है, मैं पागल नहीं हूँ, और उसके कारण हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते नहीं हैं। लेकिन ये पूरी तरह गलत है। आज साइंस डेवलप हो रहा है, सभी को, मैं ये रिपीट करता हूँ, सभी को साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ सकती है। अगर हमारे दिमाग में कोई भी मेंटल इम्बैलेंस है तो आपने तुरंत बिना झिझक साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, उनसे काउंसलिंग लेनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट लेता हूँ तो मैं जिंदगी भर दवाइयाँ खाते रहूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही में ये भी गलत कॉन्सेप्ट है कि अगर साइकेट्री की बीमारी मुझे हो गई है तो जिंदगी भर मैं बीमार हूँ, ये भी गलत है। आज पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात हो रही है। अगर मेरे को साइकेट्री बीमारी नहीं भी है तो भी मैं साइकेट्रिस्ट के पास जा सकता हूँ, ताकि मैं जान सकूं कि पॉजिटिविटी में मेरे लाइफ में कैसे लाऊं और मैं मेंटली फिट कैसे बनूं। जैसा हम बोलते हैं कि फिटनेस के अलग अलग डायमेंशन है, उसमें मेंटली फिट रहना बहुत ही जरूरी है। अगर हमारे दिमाग में कोई भी चीज नैक कर रही है, कोई भी दिमाग में चीज चल रही है, तो मैं मेंटली फिट नहीं हूं। और उसके कारण अगर मुझे लगता है कि मैं मेंटली फिट नहीं हूं तो मैंने मेरे डॉक्टर के पास डेफिनेटली जाना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा, अलग अलग प्रकार के बीमारियां लोगों में होती है, तो मेंटल इलनेस अनकॉमन नहीं है, मेंटल इलनेस बहुत ही कॉमन है। मैं आपको ये डेफिनेटली बता सकता हूँ कि आज अलग अलग फील्ड्स के अलग अलग एजुकेटेड लोग हमारे पास आ रहे हैं, हम एज अ साइकेट्रिस्ट उनसे बात करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, तो उनकी जो बीमारी है वो पूरी तरह ठीक हो सकती है। हमारे यहाँ अकोला में अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, मुंबई, पुणे, दिल्ली, भोपाल, हैदराबाद, ये सभी जगहों से लोग आते हैं और अपनी अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर करते हैं, तो उनको हम ठीक करते हैं। आपने ये समझना जरूरी है कि मेंटल इलनेस बहुत ही कॉमन है, और अगर आप साइकेट्रिस्ट से बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पागल हूँ या मैं मैड हूँ या मैं क्रेजी हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बचपन में हम सुनते थे, 10 साल पहले, 15 साल पहले, लेकिन अभी ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपने डेफिनेटली साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो लोगों में गलत फहमियाँ हैं उसमें से एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि अगर कोई मुझे ECT देता है या शॉक देता है मेरे पेशेंट को, तो वो शॉक के कारण पेशेंट का पूरा जो ब्रेन है वो डिफ्यूज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हम बहुत लोगों को इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, मतलब साइंटिफिकली जिसको ECT बोलते हैं, या शॉक ट्रीटमेंट देते हैं। शॉक ट्रीटमेंट देने से, ECT देने से जो ब्रेन में केमिकल्स है वो अलाइन होते हैं, नॉर्मल होते हैं, और वो देने से पेशेंट की जो समस्या है वो दूर होती है। बहुत डिफिकल्ट सीरियस पेशेंट्स में हम ECT देते हैं। हमने हजारों पेशेंट्स को ECT देकर लाइन पे लाया है, अच्छा किया है। तो आपने ये बिल्कुल ये समझना चाहिए, समझना नहीं चाहिए कि ECT देते हैं तो इसका मतलब है पेशेंट का भी लाइफ खत्म हो गया, ये रॉन्ग है। पेशेंट को हम ECT दे के पेशेंट का हम लाइफ सुधार सकते हैं। टॉक थेरेपी करने से मैं सुधर नहीं सकता, मतलब काउंसिलिंग करने से मैं सुधर नहीं सकता, ये भी रॉन्ग कंसेप्ट है। बहुत बार लोगों को दवाइयों की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स बताते हैं, जब साइकेट्रिस्ट काउंसिलिंग करते हैं, तो आधी बीमारियां वो लोगों की वैसे ही खत्म हो जाती है। काउंसिलिंग करके हमारे जो हमने जो लॉक लगाया है ब्रेन को, वो हम अनलॉक करते हैं, और हमारे जो प्रॉब्लम्स है, हमारे जो डार्क स्पॉट्स है, वो हम ठीक कर सकते हैं साइकेट्रिस्ट को मिलकर। ऐसे अलग 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 मिसकॉन्सेप्ट्स है, गलत फहमियाँ हैं जो साइकेट्री के विषय के बारे में, मानसिक बीमारियों के विषय के बारे में पूरी दुनिया में फैली है। मेरा ये वीडियो के द्वारा ये लोगों को बताना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको कोई भी गलत फहमी हो, कोई भी मिसकॉन्सेप्ट हो, तो आपने वो दिमाग में नहीं रखना चाहिए, आपने साइकेट्रिस्ट के पास तुरंत जाकर उसका डायग्नोसिस करना चाहिए और ट्रीटमेंट करना चाहिए। सिमिलरली एक मिसकॉन्सेप्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में ये है कि अगर मैं दारू पीता हूँ, शराब पीता हूँ, तो मैंने साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि साइकेट्रिस्ट तो मेंटल इलनेस के डॉक्टर है। तो ऐसा नहीं है, हम एज अ साइकेट्रिस्ट डी एडिक्शन में एक्सपर्ट होते हैं,
और वैसे भी शराब पीना ये मेंटल इलनेस की बीमारी के लक्षण है, मेंटल इलनेस का एक भाग है। तो आपने ये दिमाग में नहीं रखना है कि अगर मैं शराब पीता हूँ तो मैं साइकेट्रिस्ट के पास कैसे जाऊँ। आपने डेफिनेटली साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, आपका ट्रीटमेंट कराना चाहिए और बेझिझक बताना चाहिए कि हाँ मैं साइकेट्रिस्ट के पास गया और मैंने ट्रीटमेंट ली। साथ ही में आजकल दो अलग अलग पोल्स के पेशेंट हमें दिखाई दे रहे हैं, वो है नंबर 1 चाइल्ड साइकेट्री, बच्चों में होने वाले विकार, बच्चों में होने वाले मानसिक बीमारियां। 10 साल पहले ये जो कॉन्सेप्ट था कि मानसिक बीमारियां खाली बड़े लोगों को होती है, तो ऐसा नहीं है। मानसिक बीमारियां, टेंशन, एंग्जाइटी, स्कूल फोबिया, स्टैमरिंग, कपड़ों में पेशाब करना, ये सभी बीमारियां मानसिक बीमारियों के लक्षण हैं जो बच्चों में होते हैं। और अगर ऐसी बीमारियां हैं तो आपने बच्चों को साइकेट्रिस्ट के पास लेकर आना चाहिए। ये नहीं सोचना है कि ये बच्चे हैं, ये पागल नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि ऐसी कुछ भी बीमारियां हैं तो आपने ये बच्चों को साइकेट्रिस्ट के पास लेकर आना चाहिए। साथ ही में पहले ऐसा कॉन्सेप्ट था कि साइकेट्री के जो बीमारियां हैं वो खाली 30 to 50 एज में ही होती है, तो ये कॉन्सेप्ट भी अभी रॉन्ग है। आजकल बहुत सारे जेरियाट्रिक पॉपुलेशन है, मतलब 60 साल के उम्र के बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको साइकेट्री की बीमारियां हो रही है। डिप्रेशन, सुसाइड के विचार आना, एंग्जाइटी, फोबिया, साइकोसिस, डेमेंशिया, अकेलापन, आइसोलेटेड फीलिंग, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ग्रीफ डिसऑर्डर, ऐसी बहुत सारी असंख्य बीमारियां हैं जो 60 साल के उम्र के बाद पुरुष और स्त्री दोनों में होती है। अनफॉर्चुनेटली हम इसका डायग्नोसिस नहीं कर पाते और बाद में बहुत देरी हो जाती है। अगर आपको लगता है ऐसी कोई भी लक्षण, टेंशन के विचार, चिड़चिड़पना होना या डर लगना, ऐसे कोई भी सिम्टम्स आपको आपके पेरेंट्स में, आपके खुद में अगर आपको दिखते हैं, तो आपने डेफिनेटली बिना झिझक के साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए और आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर करनी चाहिए। मैं ये वीडियो के द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी साइकेट्री के विषय के बारे में गलतफहमी है तो आपने साइकेट्रिस्ट के पास जाकर वो गलतफहमी दूर करनी चाहिए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्द ही अगला वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।